अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही महिलाओं और बालिकाओं ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त धनंजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, आईजी रेंज रमेश कुमार रमेश शर्मा, वहीं एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी सहित जिले के अन्य विभागों के भी अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल महिलाओं और बालिकाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जानकारी देने के साथ ही ये भी बताया गया कि कैसे मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और आगे भी सरकार इस तरह बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पे जो हमारा मिशन शक्ति अभियान चल रहा था तो उसको दोनों को क्लब करके एक यहाँ पे जो हमारे ज़िले में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को जो विभिन्न क्षेत्र से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो क्रीड़ा का क्षेत्र हो, या जिस भी क्षेत्र में गवर्नमेंट सर्विसेज का क्षेत्र हो, पुलिस विभाग से रिलेटेड सभी विभागों में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न क्षेत्र में महिलाएं थीं उनको यहाँ पे सम्मानित करने का कार्य आज इस अभियान के अंतर्गत हुआ है। और इससे जो है विभिन्न फील्ड्स में काम करने वाली जो महिलाएं सार्वजनिक मंच पे पुरस्कृत हुई हैं तो निसंदेह जो है एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। और जो हमारा मिशन शक्ति अभियान का मुख्य जो उद्देश्य था नारी सुरक्षा को लेकर के, नारी सम्मान को लेकर के और नारी स्वावलंबन को लेकर के, तो तीनों ही फील्ड में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाएं यहाँ पे सम्मानित की गई हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे जो हमारा नारी सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम है, जो मिशन शक्ति अभियान है, इसको काफ़ी बल मिलेगा। श्रम देखिए जितने विभिन्न विभागों की हमारी जो स्कीम्स थी उसके अंतर्गत भी जो महिलाओं के कल्याणार्थ स्कीम थी उसको भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस अभियान के माध्यम से किया गया है। तो एक श्रम विभाग की ओर से जो साइकिल का वितरण किया गया है इसमें कुछ महिलाओं को।